हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एपके गुरु चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले सब्जी बिजनेस के बारे में, वेजिटेबल बिजनेस के बारे में। वेजिटेबल बिजनेस करके कैसे लाखों रुपया आप कमा सकते हैं, इस चीज पे बात करेंगे। दोस्तों, आप जो पुराना जो बिजनेस कर रहे थे सब्जी का, जो वो हटाइए, अब नया प्रैक्टिस आ गया, नया तरीका से आप बिजनेस कीजिए और अच्छा पैसा यानी अच्छा मुनाफा आप कमाइए। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सब्जी का जो प्लान है यानी सब्जी बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आपको सब्जी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले एक एक चीज़ हम बताएंगे आपको। सबसे पहले ये करना है दोस्तों कि आप सब्जी, अगर आप मान लीजिए आप मार्केट से खरीद के लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। आप क्या कीजिए, आप जो लोकल किसान है, जो गांव एरिया है, वहाँ से आप सब्जी खरीदिए और उसको घर पे लेके, घर पे लेके आने के बाद उसको अच्छी तरह सफाई कीजिए, कचरा जो सब्जी उसको हटा दीजिए और अच्छा सब्जी को आप अच्छी से धो धा कर, अच्छी से सफाई करके आप अच्छी तरह से सजा कर, अगर आप भेन है तो भेन पर रख सकते हैं, ठेला है तो ठेला पर रख सकते हैं, यानी गाड़ी है तो गाड़ी पर रख सकते हैं। जैसा जो आपको बेचने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ पर अच्छी तरह से सजा कर रख सकते हैं। दोस्तों, ये भी तो ध्यान देना है कि सब्जी ज़्यादा दबे नहीं, दबने से होता है कि आपको सब्जी खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। और कोशिश कीजिए कि जो भी टमाटर हो तो एक साइज का हो, वो गोभी हो तो एक साइज का हो, अलग अलग जो भी सब्जी हो एक एक साइज का वो होना चाहिए। यानी कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, उसे थोड़ा अच्छा दिखने में लगता है और आज के डेट में दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है, आपको मालूम है। तो दोस्तों, ये हो गया, आपको सब्जी लेकर आए, आप उसको सफाई किए, आप अब करना क्या है कि आप रिहायशी इलाका यानी VIP इलाका में आप जाइए, वहाँ पर आप कस्टमर से डोर टू डोर आप सब्जी बेच सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, उन लोग को अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, अपना नंबर दीजिए, आप एक टेम्पलेट भी छपवा सकते हैं और वहाँ पे हर आदमी को दे सकते हैं कि हमारे पास अच्छी सब्जी और हर डिजाइन की, हर वैरायटी की सब्जी हमारे पास एनी टाइम 24 आवर उपलब्ध है। 24 आवर आप होम डिलीवरी दीजिए और आप उनको बताइए कि हम 100 रुपीज का अगर आप पे सब्जी लेते हैं तो हम आपको होम डिलीवरी फ्री आपको देंगे। वो लोग को भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो लोग को जो भी सब्जी है घर तक पहुंच जाएगा और वो लोग को मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से घर में लेडीज रहती हैं, उन लोग को मार्केट करने में दिक्कत है। बहुत से लोग हैं, जेंट्स भी हैं, वो लोग क्या है कि ड्यूटी करके आए, जॉब करके आए और मार्केट जाना नहीं चाहते हैं, क्यों थक जाते हैं तो मार्केट करना जाना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों, अभी देख ही रहे कि हर चीज़ में आपका होम डिलीवरी चालू हो चुका है, हर चीज़ खाने से लेकर पीने से लेकर हर चीज़ पब्लिक चाह रहा है कि होम डिलीवरी ही पसंद है। दोस्तों, ऐसे करके बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप भी कीजिए और आप भी कब अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, करना है कि आपको, अगर आप जो लोकल किसान से लेकर आई तो आपको क्या होगा, लोकल किसान से प्राइस आप उसको कम दे के लेकर आई क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। और क्या कीजिए, जो आपका जो मार्केट रेट चल रहा है उससे थोड़ा कम करके आप अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को आप सब्जी बेच सकते हो। उससे भी होगा कि वो लोग को भी दिखेगा कि आपका जो सब्जी दे रहे हैं वो मार्केट से कम प्राइस में दे रहे हैं तो आपसे वो लोग खरीदेंगे। और वो लोग ये भी बोल दीजिए कि आप ये चीज़ का हम प्राइस का ये रेट ये चीज़ दे रहे हैं, आप जाके मार्केट में पता कर सकते हैं कि हमारा प्राइस सही है या गलत है। उसके बाद दोस्तों, आप क्या कीजिए कि आपका जो भी मान लीजिए कोई 100 का, कोई 200 का आप डोर टू डोर दे रहे हैं तो उसे क्या कीजिए, आप उनको धनिया पत्ता हो गया, हरा मिर्च हो गया, उनको आप उनको दे दीजिए फ्री में। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने, अगर आप आदमी रख के बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आदमी को ये देखना साफ सुथरा वो होना चाहिए और एक टाइम से टाइम उस एरिया में जाए सेल करने के लिए। उसके बाद आपको उसका जो नेचर जो सही होना चाहिए, सबसे पहले नेचर जो हो अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप घर डोर टू डोर जा रहे हैं तो आपको नेचर अच्छी होना एकदम जरूरी है। जो आपका काम जो आदमी कर रहा है या कोई भी, ये चीज़ को ध्यान देना क्योंकि आपको कस्टमर को भगाना नहीं है, कस्टमर पकड़ना है। आप व्हाट्सअप नंबर रखते हो, नंबर रखते हो, टेम्पलेट जो भी रख के आप सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं। और जब भी पब्लिक आपका सब्जी मांगे उसी टाइम आप होम डिलीवरी कीजिए। जब आप पुराना हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या कीजिएगा, आपका अगर होम टू डिलीवरी दे रहे हैं उसके बाद क्या कीजिएगा, मार्केट में आप दुकान रख सकते हैं, वहाँ पे भी आप सब्जी सेल कर सकते हैं और होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। गाँव एरिया में भी बहुत अच्छा चल रहा है आजकल ये सब होम डिलीवरी का मार्केट। आप देख रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऐसे बहुत से ऐप जो कितने दूर तक कितने बड़े बड़े पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको इसमें मैं बता दूं, इसमें आपको 35 से लेकर 40% तक आपको बेनिफिट है सब्जी फार्म में, आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप 5,000 का सब्जी लेकर आते, कम से कम मैं बोल रहा हूं आपको 1,000 रुपया आपको प्रॉफिट होगा। बस आपको साफ सुथरा रखना है, कस्टमर से अच्छी बात करना है और जब भी वो डिमांड करे उसी टाइम में
आपको मार्केट से कम प्राइस में देना है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान दीजिए और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, महीना 70-80 हज़ार जरूर कमा सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को अपने लाइक नहीं जल्दी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।